सुप्रभात प्रिय बच्चों, हम लोग शीर्षक पंच परमेश्वर को नियमित कर रहे हैं, जिसमें पाठगत जो विशिष्ट बात है और पाठ की जो उद्देश्य है, उसका जो संदेश है, उससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। लेखक मुंशी प्रेमचंद ने शीर्षक पंच परमेश्वर के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि न्याय के जो मानदंड हैं वह रिश्ते और संबंधों के जो अपनी पहचान है उससे उसका कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। कभी कभी हम अपने संबंधों को, रिश्तों को, अपनत्व के भाव को भी न्याय के तराजू पर रख कर के तौलने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। लेखक ने प्रस्तुत कहानी के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में रिश्ता संबंध एक अलग व्यवस्था है, लेकिन अगर हम न्याय के पथ पर, पद पर चलें तो न्याय सिर्फ न्याय है और न्याय के लायक चीज़ों को न्याय मिलना ही चाहिए। अन्यायी को सजा मिले और न्याय को निश्चित रूप से शकुन मिले, इस तरह की बातें रही हैं। हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, चाहे वह व्यवस्था सरकारी न्यायालयों की रही हो या ग्रामीण परिवेश के इस भारतवर्ष में, भारत के गांवों में जो पंचायती व्यवस्था रही हो, उसमें अगर सर्वश्रेष्ठता के साथ किसी का सम्मान मिला है तो न्याय को मिला है। और न्याय करने वाला व्यक्ति वास्तव में देवतुल्य होता है, उसकी तुलना ईश्वर से की जानी चाहिए, क्योंकि वह न्याय के यथार्थ भाव को रिश्तों, संबंधों, अपनों और प्रायों, जाति, धर्मों, वर्गों, वर्णों से हटाकर वह सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखता है, वह है हमारी न्याय। जिस व्यक्ति को समुचित न्याय मिल गया वह व्यक्ति प्रसन्नचित और आनंदित हो जाता है, लेकिन वह व्यक्ति भी कम प्रमुदित नहीं होता जो न्याय को अपने पक्ष में करने का कुत्सित प्रयास करता है। अगर मान लीजिए हम झूठ बोलते हैं तो झूठा बोलने का प्रमाण मेरे पास है, लेकिन सत्य बोलने का प्रमाण अगर उसे मिलता है तो उसको तो खुशी हुई कि मेरे सत्य का इनाम मिला, लेकिन असत्य का बात की जानकारी जब हमें होगी तो हम भी न्याय पर एक विश्वास करेंगे, और वास्तव में वह विश्वास ही न्याय की सर्वोत्कृष्ट भाव है। लेखक प्रस्तुत जो कहानी पंच परमेश्वर है, इसमें एक पंच बनने की व्यवस्था और उसके मन में आने पंच तक, पंच के पद पर बैठने के पश्चात जो भाव आते हैं, जो कर्तव्य प्राणता का रूप दिखाई पड़ता है, वह वास्तव में सामान्य ढंग से देखें और कहें तो श्रेष्ठ है और न्याय व्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त बात है। तो इन्हीं सारी संदर्भों को व्यक्त करती हुई यह कहानी पंच परमेश्वर है, जिसके संदर्भ की चर्चा हम कर रहे हैं। जुमन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, साझे में खेती होती थी, दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुमन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुमन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न तो खान पान का व्यवहार था और न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। बड़ी अच्छी बात बताई गई। हम लोग जाति से, धर्म से, वर्ग से, वर्ण से मित्रता स्थापित नहीं कर सकते। अगर
मित्र बनना ही है। तो देखिए आप बहुत से आदर्श उदाहरण मित्रों के भरे पड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा की क्या थी, एक दरिद्र ब्राह्मण और तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकनाथ, मित्रता हुई। इसके पश्चात कर्ण और दुर्योधन की मित्रता को आप देखिए, कहाँ एक कर्ण और एक शुतपुत्र और एक दुर्योधन कौरव वंश का चमचमाता हुआ एक सम्राट, कोई समानता है? कोई समानता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान राम और हनुमान की मित्रता को आप देखिए, कितनी गहरी दोस्ती थी। न जाति, न धर्म, न वर्ग, न वर्ण, न अपना, न पराया, वह जाति से पशु और ये जाति से हिंदू मानव। अब कैसे इनों के बीच में मित्रता हुई, और मित्रता ऐसी हुई कि आदर्श बन गई। हम उदाहरण देते हैं, हम देख कर करके प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, आनंदित होते हैं और अन्य प्रकार के भावों को व्यक्त करते हुए इसका एक आदर्श उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में लेखक यह बताने का प्रयास करते हैं कि मित्रता का जो रूप और स्वरूप है, जाति, धर्म, वर्ग और वर्ण बिल्कुल नहीं है। और यही कारण है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच मित्रता हुई। साझे में खेती होती थी, दोनों एक दूसरे पर अटल विश्वास करते थे। और हम समझते हैं कि विश्वास ही मित्रता का मूल आधार है, ईमानदारी ही मित्रता का मूल आधार है। जुम्मन जब हज करने गए तब घर अलगू चौधरी को सौंप गए कि पूरी जवाबदेही और जिम्मेवारी आप देखें, अपने भी उनके घर परिवार के लोग सदस्य होंगे, लेकिन विश्वास उन पर ही उन पर हुआ। अलगू चौधरी भी जब कहीं जाते थे तो अपना घर द्वार परिवार समाज रिश्ते नाते सब जुम्मन शेख पर छोड़ जाते थे। और इस प्रकार से ये जो मित्रता थी फल और फूल पर एक बहुत बट वृक्ष बन करके तैयार हो गया। स्वाभाविक रूप से मित्रता का यही रूप और स्वरूप मानवीय भी है, इसको हम इस रूप में स्वीकार ही कर सकते। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधी में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके यह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातेदारियों पर बीमारों मुहर लगा दी। अब बेचारी खाला को प्रायः नित्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती और अपमान सहन करना पड़ता। कुछ दिनों उसने सुना सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं। वास्तव में जुम्मन से की एक बूढ़ी खाला मौसी थी, उसके पास थोड़ी सी जमीन जायदाद और मिल्कियत थी, उसके निकट संबंधी में कोई लोग नहीं था, इसलिए जुम्मन उनकी नज़र उस पर पड़ी हुई थी। स्वाभाविक रूप से लंबे चौड़े वादे किए और जो भी मिल्कियत थी अपने नाम करवा लिए। जब से मिल्कियत की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम हुई, उस दिन से उसके आदर सत्कार पर भी एक तरह से नहीं करने का मुहर लग गया, रजिस्ट्री हो गई। पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातेदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी, नकारात्मकता के भाव आ गए। अब बेचारी खाला प्रायः नित्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती और अपमान सहन करना पड़ता। स्वाभाविक रूप से जब नहीं कुछ करना है, लूट लेना है, रास्ते अलग कर लेना है, तो उनका इस प्रकार से अपमान करना, उन्हें कड़ी बातें सुना करके उन्हें निश्चित रूप से परेशान और व्यथित करना ही उनका काम रह गया। कुछ दिन उसने सुना और सहा, पर जब उसे सहा नहीं गया तब वह गुजारे भाते की मांग की कि मुझे भी खाने पीने के लिए, रहने के लिए और कपड़े की भी जरूरत है, जो कुछ पैसा है उसे दो। लेकिन जुम्मन शेख ने बड़ी धृष्टता के साथ यह बात कह दिया कि क्या रुपए यहाँ पर फलते हैं कि तुम्हें रुपए दें, यह बात उपयुक्त नहीं है। इसलिए उपयुक्त नहीं है कि एक तो खाला वृद्ध है, औरत है और विवाह है। इस प्रकार से दुख दे कर करके, दुखित कर करके अगर उसे हम कुछ सताने का प्रयास करें तो मानवता के लिए यह एक सबसे कुत्सित भाव है। इस प्रकार की प्रकृति और प्रवृत्ति मानव के लिए उत्कृष्ट नहीं है। लेकिन जिस धृष्टता के साथ उसने उत्तर दिया, यह उनकी
भविष्य में उसके प्रति व्यवहार विचार और संस्कार संस्कृति की जो रूपरेखा तैयार होना था उसकी समझ पाठकों को भी लग गई। आज के लिए इतना ही, अगले दिन में अलग आगे की बातों को बताऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।